बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत क्या बात है ठीक है मास्टर जी ठीक है क्या बात है देखा नहीं बहुत आपको बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है देखिए भजन संध्या का कार्यक्रम ऐसा ही होता है मास्टर साहब क्या बात है सब कुछ होगा लेकिन बारी बारी से आइए गीत बजा है ओ गीत बजा है बॉम्बे से अगर न मिलते इस जीवन में ऐसा ही मौसम है और ऐसा ही दिन है अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा बहुत बहुत प्यार बच्चे के लिए जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा ओ मंदिर में वृंदावन दर्शन करने के लिए गया और मुकेश भैया बिल्कुल नया गीत है अरे जैसे रंग कसूम की चादर वैसे ही रंग पराई तेरी आगे जैसे रंग कसूम की चादर वैसे ही रंग पराई तेरी आगे अरे हाल ही में हंस बोले उठे हाल ही में कर दे अरे ओसन प्यास को जत नाए भैया वीर भलाई अपने दया को ये सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं हमारे मास्टर साहब आके कह रहे थे थोड़ा सा सब कुछ चलेगा कार्यक्रम कार्यक्रम के हिसाब से चलता रहेगा कोई भेड़ी सी सूरत पे नाज करे किसी की सूरत मास्टर जी ठीक है भैया जी किसी की सूरत इतनी बुरी होती है कि उसकी तरफ देखा नहीं जाता है लेकिन उसे घमंड कितना होता है इतना घमंड होता है कि आसमान से भी ऊपर निकल जाता है कोई भेड़ी सी सूरत पे नाज करे कोई मांगत भीख मलूक पुजारी कोई भेड़ी सी सूरत पे नाज करे कोई मांगत भीख मलूक पुजारी कोई छत्र छाया में राज करे कोई धूप में काम करे अति भारी धूप में काम करे अति भारी धूप में काम करे अति भारी कोई पत संग कामिन की लोल करे कोई पत संग कामिन की लोल करे कोई पत बिन डोलत है मारी मारी कोई पत संग कामिन की लोल करे कोई पत बिन डोलत है मारी मारी ये शिशु डिगे और सुमेर डिगे पर जा कर्म की रेख टरे नहीं टरे बांके बिहारी के मंदिर में वृंदावन दर्शन करने के लिए भक्त गया और मुकेश भैया जी बिल्कुल नया गीत है लल्लू तो आ जाओ मूर्ति के सामने खड़ा है बैठ जाओ तो हाथ जोड़कर बांके बिहारी की मूर्ति के सामने खड़ा है और कह रहा है नंदन नंदन हे माधव
हे मुरलीधर, हे नटनगर, माधव मनमोहन कलयुग में। ठीक है भैया जी, आपके लिए गीत गा रहा हूँ। माधव मनमोहन कलयुग के कैसे हैं लोग निराले, पता नहीं चलता कि यहाँ कौन आदमी कैसा है। हर आदमी की सोच अलग, हर आदमी की शकल अलग, हर आदमी का कर्म अलग। माधव मनमोहन कलयुग के कैसे हैं लोग निराले, ऊपर से नेताओं को देखो सफेद कपड़ा पहन लिए, ऊपर से जैकेट पहन ली, सफेद जूते पहन लिए, पता नहीं चलता है कि इनके दिल में अंदर क्या है। संतों को देखो कपड़े रंग लिए, कंठी माला ऊपर डाली, तिलक छापे लगा लिए, लेकिन पता नहीं चलता है दिल में क्या है। जय हो, जय हो। माधव मनमोहन कलयुग में कैसे लोग निराले, ऊपर से तन उजले, इनके अंदर से दिल काले। आए गए चमचा राज उड़ाए रे कुल छर्रे चमचा, कन्हैया से शिकायत कर रहा है माधव। आज के जमाने में, इस कलयुग में, तेरे से वृंदावन में, तेरी से ब्रजभूमि में, जो जितना बड़ा चमचा है बाकी उतने ही आनंद ज्यादा आ रहे हैं। आए गए और चमचा राज उड़ाए रे कुल छर्रे चमचा, सबसे ज्यादा इज्जत पाए रे आज खरे चमचा। जहाँ जाओ वहाँ सबसे आगे मिले धरे चमचा, जहाँ जाओ वहाँ सबसे आगे मिले धरे चमचा। और ये जनता भाई कंगाल खूब है हरे भरे चमचा, अरे जनता भाई कंगाल खूब है हरे भरे चमचा। कोई भी हो, अच्छी अच्छी बात को पकड़ने वाले हैं यहाँ। कोई भी हो, नाम किसी का नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा मैं। आज उसका बैंक बैलेंस 40 लाख हो, आज उसका बैंक बैलेंस 40 लाख हो, और कोई पद मिल जाए, कुछ समय पश्चात देखना करोड़ों में होगा। जय हो। जितना बड़ा चमचा हे नदनंदन, उतनी उसकी मौज। इसीलिए तो कह रहा है हे माधव मनमोहन, माधव मनमोहन कलयुग के, माधव मनमोहन कलयुग के कैसे लोग निराले। ऊपर से तन उजले, इनके अंदर से दिल काले। भोले भले, अब
गीत का पहला बंद सारा कर रहा है किधर कर रहा है? बेटा पत्नी संग होटल में, बेटा पत्नी संग होटल में बैठ के खाना खाए। बेटा पत्नी के साथ होटल में बैठ के खाना खा रहा है, हे नंदन। बेटा पत्नी संग होटल में बैठ के खाना खाए और घर में माँ भूखी बैठी है, घर में माँ भूखी बैठी उसे नेक शर्म नहीं आई। घर में माँ भूखी बैठी है नेक शर्म नहीं आए, घर में माँ भूखी बैठी है नेक शर्म नहीं आए। ये तो बेटा और बेटी की हालत है, लेकिन एक बाप बेटी के संग बाप नाचता। क्या बात है शर्मा जी, बेटी के संग बाप नाचता तो घर को कौन संभाले। आज बेटी की किसी मंच पर प्रस्तुति चल रही हो तो बाप खुश होकर के ठमका लगाएगा, लेकिन जब तेरा जमाना था प्यारे तब बेटी बाप के सामने नाचना तो बहुत दूर, सामने आंख मिलाकर बात करने में भी सकती थी। बाप बेटी का कितना आदर किया करता था तेरे जमाने में, और बेटी बाप का कितना आदर किया करती थी, लेकिन आज बेटी के संग बाप नाचता, बेटी के संग बाप नाचता तो घर को कौन संभाले। इसीलिए तो कहा है ऊपर से तन उजले इनके, अंदर से दिल काले, अंदर से दिल काले, ऊपर से तन उजले इनके, अंदर से दिल काले, अंदर से दिल काले। सारा कर रहा है मतलब का हर यार है। अगर आज तेरे जाने के बाद तूने भी दोस्ती की थी, तूने भी मित्रता निभाई थी, मतलब का हर यार है और मतलब का परिवार ये मतलब का सब यार है, मतलब का परिवार, मतलब को भाई भाई पर पीछे से करता बार है। पर आज मतलब के लिए एक बॉबी भाई भाई थे राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बॉबी भाई थे, लेकिन आज के भाई मतलब का हर यार है, मतलब का परिवार है। मतलब को भाई भाई पर पीछे से करता वार है। और हे नंदन, मतलब को बुढ़े संग भामर, मतलब निकालने के लिए बाप माँ भाई परिवार ये नहीं सोचता है कि हमारी बिटिया छोटी है और ये जिसके लिए हम शादी कर रहे हैं ये 60 साल का है या 50 साल का है। मतलब को बुद्धे संग भामर बाप सान से डाले, मतलब को बुद्धे संग भामर बाप सान से डाले। लौटकर तभी कहना है, तभी तो कहना है ऊपर से तन उजले इनके, अंदर से दिल काले, अंदर से दिल काले, ऊपर से तन उजले इनके, अंदर से दिल काले, अंदर से दिल काले।
सूचित कर रहा हूँ कि लिखने वाला कभी मुकेश भैया बात हकीकत यह है कि इस गीत को मैंने स्वयं लिखा है। एक बार ताली बजा करके सम्मान करो, क्योंकि कोई गाने वाला अपनी स्वयं रचना लिखे तो वो बड़ी बात होती है। जय हो। तीसरा बंद गीत का इशारा करता है, आज के मोहन बहन बनाकर हे कन्हैया, आज के मोहन बहन बनाकर पाप को सींच रहे, आज के मोहन बहन बनाकर पाप को सींच रहे, आज के मोहन बहन बनाकर पाप को सींच रहे। द्रौपदी को बहन बनाया था साड़ी के एक एक तार के बदले, न जाने कितने तार बढ़ाए थे तूने, लेकिन आज आज के ये मोहन बहन भाई का रिश्ता तो बनाते ही लेकिन उस रिश्ते को भूल जाते हैं। आज के मोहन